आकाशवाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम और लौट चले गांव की ओर प्रकृति की ओर में आज हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे ऐसे एक छोटी बच्ची के टैलेंट से जिसने अपने हौसले के दम पर ना सिर्फ एक रस्सी पर अपना बैलेंस बनाया, साथ में उसने अपने कर्तव्य के माध्यम से आसपास जो इनका खेल देख रहे लोगों को इन्होंने अपने इस हुनर से अपनी इस प्रतिभा से उनको ठहरने पर मजबूर कर दिया। रास्ते के किनारे पर ये अपनी रोजी रोटी के लिए अपनी माँ के साथ इस बच्ची ने रास्ते के ऊपर रस्सी के ऊपर ना सिर्फ अपना बैलेंस बनाया, साथ में चलकर करतब दिखाकर मात्र एक लकड़ी के सहारे इसने अपना पूरा बैलेंस बनाकर और लोगों को आते जाते इस अपनी प्रतिभा के बारे में उन्होंने यह व्यक्त करके प्रदर्शित किया कि प्रतिभा को एक सिर्फ अवसर की और एक मौके की तलाश होती है। अगर वो उसे सही समय पर और सही मायने में अगर वो मिले तो निश्चित रूप से वो अपनी इस प्रतिभा के ऊपर अपनी इस प्रतिभा के दम पर अपना मुकाम हासिल कर सकती है। लेकिन अभाव में ग्रस्त होने के कारण, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण इस प्रकार की हजारों बालिकाएं अपने हुनर से सिर्फ अपने जीवन को यापन करने तक ही सीमित रह जाती हैं। अगर इस तरफ ऐसे लोगों का ध्यान केंद्रित करने का ही हमारा मकसद था ये वीडियो गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले शूट करने का कि ऐसे कोई प्लेटफॉर्म जो इन बालिकाओं के हुनर को एक मुकाम प्रदान कर सकें, ऐसे ओलंपिक या इस प्रकार के खेलों में इन्हें भागीदारी दिलाने में इनकी मदद कर सकें, इसी प्रयास के मद्देनज़र रखते हुए हमारी गांववाणी स्टूडियो की टीम ने इस वीडियो को आज इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और इस बालिका की मदद कर सके इसे आगे बढ़ने में, इसके हुनर को तराश कर और इसे एक मुकाम दिलाने में, इन्हीं प्रयासों के लिए गांववाणी स्टूडियो हर रविवार इस प्रकार के कार्यक्रम शूट करता है। तो एक नई कहानी के साथ अगले रविवार फिर आप लोगों के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।